अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आप सभी लोगों को पता है कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी आप सभी बच्चे वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने उसका एवेल्यूशन स्टेटस अपडेट किया है। लेकिन अभी इस टाइम पे सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी आ रहा है और कुछ बच्चों की कभी कभार साइट खुल जाती है, वो अपना जो एवेल्यूशन स्टेटस है वो देख पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको वो साइट नहीं खुलती है या साइट ओवरलोड दिखाती हैं या साइट में आपको कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आपको अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी की टीम इस पर लगी हुई है और कुछ टाइम में विद इन 1 आवर विद इन 30 मिनट्स या 15 मिनट में या कुछ ही टाइम में ये अभी साइट ठीक हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी और आप अपना जो इवेल्यूशन स्टेटस है वो देख पाएंगे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है इस टाइम पे कि उनको ये लगता है कि शायद उन्हीं के रिज़ल्ट का कोई इशू है या उनके फ़ोन के साथ कोई प्रॉब्लम है। ये चूँकि उनके फ़ोन के साथ या उनके नेटवर्क के साथ कोई इशू नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी की साइट का अभी मसला है, सर्वर डाउन चल रहा है अभी या वो अपलोड कर रहे हैं, उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा जो बच्चे हैं वो अपना जो इवेल्यूशन स्टेटस है वो नहीं देख पा रहे। तो अभी आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को अभी थोड़ा सा वेट करना है कुछ टाइम के लिए। जब तक आप वेट करेंगे तो उसके बाद आप फिर से ट्राई करिए, आपको एवेल्यूशन स्टेटस वहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आप अपना एवेल्यूशन स्टेटस देख पाएंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए जो इस एवेल्यूशन स्टेटस में जो अपने आप को पाएंगे कि वो कामयाब हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा उनको मैं ये उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन वो बच्चे जो जिनको रेपियर आया होगा या बैकलॉग होगा या जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे लिए, उनको भी अभी इस टाइम पे थोड़ा सा निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। तो आगे भी उनके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ रिवेल्यूशन, आपके पास आगे ऑप्शन आ जाएगा या कोई और भी ऑप्शन आपके पास है। तो अभी डिस्करेज नहीं होना है, कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में ये एक एंड नहीं होता है, ये ज़िंदगी की शुरुआत है। आप बहुत छोटे बच्चे हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें भी रिज़ल्ट निकलने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप अपने जो आपका रिज़ल्ट है उसको रीचेक करा सकते हैं। जैसे रिवेल्यूशन आपके सामने एक ऑप्शन आता है जिसके ज़रिए आप गो थ्रू करके आप अपने जो मार्क्स है अगर आपको लगता है कि कोई इशू है उसको आप सॉर्ट आउट करा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अभी पैनिक ना हो जाए, कुछ टाइम तक वेट करिए, आपको अपना रिजल्ट ये एवेल्यूशन स्टेटस अभी देखने को मिलेगा कुछ ही टाइम में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।